नमस्ते दोस्तों, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका ऑनलाइन माली नितिन मल्होत्रा। वेलकम टू ग्रीन डेरी टेरेस गार्डन। दोस्तों, बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि बालकोनी मेकओवर के बारे में कुछ बताया जाए, क्योंकि पिछली जो फेंसिंग वाला वीडियो मैंने बनाया था उसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि बालकोनी को कैसे बहुत कम बजट में मेकओवर कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये मेरी एक बालकोनी है, इसकी हालत अभी ठीक नहीं है, इसमें बहुत सारा हमने सामान रखा हुआ है। उसका रीज़न ये था कि हमारे साथ में एक बिल्डिंग बन रही थी, उस बिल्डिंग की वजह से सारा कुछ गंदा हो गया था। तो हम सोच रहे थे कि जब बिल्डिंग ये बन जाएगी तभी कुछ शुरू करेंगे। अब मैं इसकी मेकओवर करूँगा और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। इसमें मैंने सोचा है कि नीचे जो है जो इसमें आर्टिफिशियल ग्रास लगाई जाएगी, और ये जो दीवार अभी आपको मैंने दिखाई दी, ये दीवार, इस पर मैं वुडन फेंसिंग लगाऊंगा। वुडन फेंसिंग जो आपने मेरा वीडियो देखा होगा कि मैंने कैसे वुडन फेंसिंग मैं लेके आया था, काट के उसको मैंने बताया लगाया था दीवार पे अपने टेरेस पे, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो वुडन फेंसिंग कैसी थी जो मैं यहाँ पर लगाऊंगा। अब ये देखिए, तो ये है वो वुडन फेंसिंग जो टेरेस गार्डन पे मैंने लगाई थी, इसका मैंने पूरा वीडियो बनाया था। ये वुडन फेंसिंग ज़्यादा महंगी नहीं आती है, एक बम्बू आता है इसका करीबन 80 रुपये या 100 रुपये का, 14 से 15 फुट का। तो कटिंग मैंने वहीं करवाई थी और कटिंग करवा के मैं इसको यहाँ पे घर पे लेके आया था। उसके बाद मैंने इसको एंगल से लगाकर और पेंट करके इस तरीके से बनाया था। तो यही सेम चीज़ मैं उस वॉल पे लगाऊंगा जो मैंने आपको अभी दिखाई थी, उससे शायद इसकी लुक थोड़ी अच्छी आ जाएगी। और जो ये साइड में ग्रिल्स हैं, इस पर छोटे छोटे प्लांट्स जो बास्केट्स होती हैं प्लास्टिक पॉट्स की, वो मैं इस पर लगाऊंगा। तो वीडियो अगर दोस्तों आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा उन्हें जिन्हें गार्डनिंग का शौक है, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं बालकोनी मेकओवर। तो ये मैं ग्रीन जो ग्रास है ये मैं लेके आया हूँ दोस्तों। ये मेरी बालकोनी का साइज़ है 3 फुट बाय 12, 3 चौड़ाई और 12 इसकी जो लंबाई है। ये मेरे को मिली है 50 रुपये स्क्वेयर फुट के हिसाब से, तो ये मेरे को टोटल इसकी कॉस्ट पड़ी है 1800 रुपये की। ये मैंने ली है 35 mm वाली। आप कोई भी साइज़, बहुत सारे साइज आते हैं, आप अपने कोई भी ले सकते हैं, पर 35 से 40 mm वाली लीजिएगा। उसमें थोड़ी थिकनेस घास ज़्यादा होती है, अच्छी लगती है। अब ये लगाने के बाद इस पर आप अपने इच्छा से कोई भी अपने प्लांट्स लगा सकते हैं। वो प्लांट्स लगाइएगा जिन पे धूप जिनको कम चाहिए होती है। अगर आपकी बालकनी में धूप अच्छी आती है तो कोई भी लगाइए, इंडोर प्लांट लगा सकते हैं आप इसके ऊपर जिनमें धूप कम चाहिए होती है, तो वो यहाँ पे अच्छे सर्वाइव करेंगे। और इस तरीके से हैंगिंग बास्केट्स जो होते हैं, ये पॉट्स आपको 40 से 50 रुपए की रेंज में मिल जाएंगे। उसमें आप अपने कोई भी फेवरेट जो आपको फूल वाले पौधे या कोई भी अच्छे लगते हैं आप उसमें लगा दीजिए। मैंने मिक्स लगा दिया अभी फ़िलहाल आपको दिखाने के लिए, तो बाद में मैं इसमें और कुछ चेंज करूँगा प्लांट्स में, इसमें तो खैर पौधा लगा भी नहीं हुआ। थोड़ी सी मेहनत करके एक अच्छी लुक आ जाती है बालकोनी की। तो जो साइड में आपने ऊपर गमले लगे होंगे पॉट छोटे छोटे, लेफ्ट मैंने सारे वो डाल दिए छोटे बास्केट्स। फिर हमने इस वॉल को पेंट करवाया, पेंट करवाने के बाद ये रिजल्ट है जो आपने लेफ्ट में देखे होंगे छोटे छोटे फ्लावर पॉट से, वो सब निकाल दिए। और इस पर अभी मैंने छोटी साइज़ की ये टेबल चेयर रख दी है, ये आप अपने हिसाब से साइज़ के हिसाब से रख सकते हैं या नहीं रख सकते जैसे आपकी इच्छा करें। और ये देखिए, ये इस तरीके से फेंसिंग लगाने के बाद ये कुछ ऐसी लुक आती है इसकी। इसमें पेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपने हिसाब से साइज़ इसकी बैम्बू की कटिंग करवा सकते हैं आप। ये ज़्यादा महंगी नहीं पड़ती दोस्तों। और ये जो देखिए छोटे छोटे मैंने इसके ऊपर एक ये फ्लावर पॉट भी लगा दिए, ये देखिए ये 5 रुपये का कॉस्ट करता है एक। इसको आप अपने हिसाब से अपना मनचाहा कोई भी कलर कर सकते हैं, मैंने येलो किया है और ये रेड किया है, आपको जो कलर पसंद हो आप वो कलर इसके ऊपर कर सकते हैं। और इसको आप इस पर लेंटर वायर जो होती है वो उसकी मदद से लगा सकते हैं। और ये जो घास एक्स्ट्रा कटिंग में बच गई थी वो मैंने इस पर यहाँ रख दी है ताकि थोड़ी सी लुक आए। और अपने हिसाब से आप कोई भी अपने फ्लावर ये पॉट्स लगा सकते हैं। और इसमें मैंने कुछ इंडोर प्लांट ये लगा दिए हैं, ये भी इसमें पड़े हुए अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो बालकोनी खाली छोड़ सकते हैं या चाहें तो आप इसको फ्लावर पॉट्स की हिसाब से लगा सकते हैं जैसे आपको पसंद आए। कुर्सी चेयर आपने रखनी है रखिए, नहीं तो आप खाली छोड़ना चाहते हैं खाली छोड़िए, या आपके ऊपर चॉइस है। अगर आपकी बालकोनी इससे बड़ी है तो आप बड़े साइज़ की चेयर भी ला सकते हैं।
अब मैं आपको एक लुक दिखाता हूँ जिसमें चेयर और कुर्सी के बिना खाली बालकोनी की लुक है। ये घास मैंने चिपकाई नहीं है, इसको ऐसे मैंने रख दिया है। और ये देखिए, ये एक लुक है बिना चेयर और कुर्सी के। आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। ये घास जो है मैंने चिपकवाई नहीं है, क्योंकि कभी कभार जब पानी नीचे चला जाता है तो उसको उठा के हम सुखा भी सकते हैं उस एरिए को। और ये कॉर्नर में आप पॉट्स लगा सकते हैं या कोई भी डेकोरेशन की चीज़ लगा सकते हैं। यहाँ मैंने पाम रखे हैं। तो दोस्तों, आप भी इस तरीके से अपनी बालकोनी को आसानी से मेकओवर कर सकते हैं। इस पूरी बालकोनी का जो मेरे को मेकओवर का खर्चा आया वो आया है टोटल 1800 रुपये ग्रास का, और 200 रुपये की ये प्लांट्स आए हैं, और 500 रुपये की वो मेरी फेंसिंग का खर्चा आया है। तो लगभग 2500 रुपये में ये पूरी बालकोनी मेकओवर हो गई है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप भी इस तरीके से ज़रूर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और शामिल हो जाइए हमारी यूट्यूब की फैमिली में, जिसमें आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलेंगे कि घर पे ही कैसे हम प्लांट्स लगा सकते हैं, घर पे ही खाद पानी कैसे बना सकते हैं। तो ये पूरे वीडियो मैंने बहुत सारे बना रखे हैं, आप आराम से देखिए। और आपने देखा होगा इस वॉल पे छोटे छोटे बास्केट्स लगी हुई थी, जब मेकओवर से पहले यहाँ छोटे छोटे प्लांट्स लगे हुए थे, बास्केट मैंने सारी हटा दी हैं और इस वॉल को पेंट करवाया है। तो वो इसलिए डाली है कि बहुत भरा भरा लग रहा था, तो ये खाली थोड़ा अच्छा लगता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, बाय बाय।